हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज है ट्यूसडे और अभी 10:30 बज रहे हैं सुबह के। मैं मेरे बेटी को स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ। मैंने काम भी फिनिश कर लिए हैं और जैसे कि मैं आप सबको रेडी लग रही हूँ, हम लोग कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। तो मेरा सिर्फ लंच बनाना बाकी है, बाकी सारे मैंने काम कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज सुबह मैंने मेरी बेटी के टिफिन में पास्ता पैक कराया था। मैंने अभी अभी नेल पॉलिश भी अप्लाई कर लिया है। कैसा लग रहा है ड्रेस से? बिल्कुल अपोजिट जा रही है, शायद इस पर मैच हो रहा है लाइनिंग पे। तो कल मेरा एक पार्सल आया था। मैं कल शूट नहीं कर रही थी, व्लॉग नहीं कर रही थी, इसलिए मैं दिखा नहीं पाई। तो मेरे भाई ने मेरे लिए कुछ गिफ्ट भेजा है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ थोड़ी देर में। तो जैसे कि आप सबको पता है, अभी मराठी हम महाराष्ट्र लोगों की आखाड़ी आ रही है। जो लोग महाराष्ट्र हैं वो समझ सकते हैं, आखाड़ी आ रही है। तो आखाड़ी में हर साल मायके से कुछ ना कुछ आता है। तो जैसे कि आप सबको पता है, मेरी मॉम अकेली रहती है तो वो नहीं आ पाई यहाँ। मेरी नानी रहती है वहाँ उनके साथ, तो वो नहीं आ पाई कुछ लेके। तो मेरे भाई ने कुछ मेरे लिए गिफ्ट भेजा है, तो मैं वो आपके आपको दिखाऊंगी। तो मैंने आज मेरी बेटी की टिफिन में पास्ता पैक करा दिया था, वो जा चुकी है स्कूल। उसके बाद मैंने पूरे काम कंप्लीट कर लिए थे। तो आज मेरे हस्बैंड थोड़ा लेट जाने वाले हैं, तो इस वजह से वो आज घर में है। हस्बैंड जी कहाँ हो आप? तो वो तो वो रेडी हो रहे हैं। तो आज मेरे हस्बैंड बहुत महीनों के बाद मुझे डेट पे लेके जा रहे हैं। तो आज हम लोग डेट पे जा रहे हैं, इसलिए मैं रेडी हो गई हूँ। तो पानी पी रहे हैं वो, तो वो रेडी हो चुके हैं, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। अभी हम थोड़ी देर में निकलने वाले, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। अब मैंने बहुत महीनों से मेरे हस्बैंड मुझे डेट पे नहीं लेके जा रहे थे, तो फाइनली आज हम जा रहे हैं। तो जैसे कि मेरी बेटी का एडमिशन का बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, उसके कुछ 2-3 मंथ कम पड़ रहे थे, तो हम उसी टेंशन में उसके पीछे थे। तो तब भी नहीं जा पाए, उसके बाद में हमारे यहाँ तबियत खराब खराबी चालू थी, तो इस वजह से हम जा नहीं पा रहे थे। तो मेरे हस्बैंड आज सुबह सुबह कहने लगे, चलो आज तो मैं डेट पे लेके जाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, इसलिए मैंने फास्ट में काम कंप्लीट कर लिए है। और डेट का मतलब ये नहीं होता कि एकदम बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाए, आलिशान खाना खाए, ये वो नहीं। अगर छोटी सी जगह पे भी जाते हैं, लेकिन डेट तो डेट होती है। मेरे लिए तो ये होता है कि अगर आप छोटे से एक टपरी पे भी जाके चाय पीते हो, लेकिन मेरे लिए वो डेट हो गई है। तो इसलिए अब हम लोग जाने वाले हैं। तो जो मेरे भाई ने गिफ्ट भेजा है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे हस्बैंड यहाँ पे खीर खा रहे हैं, मैंने कल रात में सेवई की खीर बनाई थी, तो वो मेरे हस्बैंड खा रहे हैं। तो चलिए मैं आप सबको अपना गिफ्ट दिखाती हूँ जो मेरे भाई ने मेरे लिए आखाड़ी के लिए भेजा है। सो फ्रेंड्स, ये रही वो बैग जो मेरे भैया ने मेरे लिए भेजी है।
सो फ्रेंड्स हम लोग आ गए थे, मैं भी चेंज कर लिया है, मैंने फ्रेश हो गई हूँ मैं, मुझे बहुत नींद आ रही है आज। तो हम लोगों ने मक्का ले लिया था, मेरे हस्बैंड को लेट हो रहा था तो इस वजह से हम लोगों ने वहाँ नहीं खाया है, हम लोगों ने पार्सल ही ला लिया है। तो अभी हम लोग इस मक्के को एंजॉय करने वाले हैं, और चलिए पहले मक्का खाते हैं उसके बाद में बात करते हैं। का खा लिया था, उसके बाद में हम लोग ऐसे ही थोड़ी देर तक बैठे थे, फिर मेरे हस्बैंड भी चले गए थे ऑफिस में, तो मैंने सोचा व्लॉग को एंड कर लिया जाए। तो मैं आप लोगों को कुछ बता रही थी। हाँ, तो हम दोनों जाने वाले थे बाहर, मेरे हस्बैंड और मैं, मेरी बेटी स्कूल गई थी, लेकिन हम लोग जैसे ही निकले बस पहुंच रहे थे तब मेरी बेटी के स्कूल से फोन आया था, उसका आज लास्ट एग्जाम था, आज उसका ड्राइंग का पेपर था, तो स्कूल से फोन आया था कि आज उसे जल्दी छुट्टी होने वाली है। तो फिर मेरे हस्बैंड कह रहे थे अच्छा नहीं लगता उसे छोड़ के जाए, मैंने भी कहा हाँ अच्छा नहीं लगता है, चलो अब टाइम हो ही रहा है तो थोड़ा सा रुक जाते हैं। तो हम लोग ने भाई के यहाँ चले गए थे, वहाँ बैठे रहे हम लोग थोड़ी देर तक, उसके बाद में फिर हम लोग उसे लेने गए, फिर उसके साथ जाके हम लोग जाके आए। तो हम लोगों को आज डोसा खाने का इच्छा था, हम लोग सोच रहे थे डोसा खाएंगे लेकिन वहाँ पे था ही नहीं। उनका कुछ टाइमिंग था 12 PM तक कुछ वो दे रहे थे, उसके बाद में 4 PM से कुछ स्टार्ट हो रहा था, 12 के बाद में 4 PM से उनके डोसा स्टार्ट होने वाला था, तो उसके बीच के टाइमिंग में नहीं था। तो हम लोग 12:30 बजे कुछ गए थे तो उस टाइम में डोसा नहीं मिल रहा था, इसलिए फिर वहाँ पर कुछ अच्छा लगा भी नहीं हमें दूसरा कुछ डिश, तो हम लोगों ने सांभर वड़ा खा लिया था। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। सो फ्रेंड्स हम इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, तो शायद आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो आप जानते ही हैं आपको क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करना है। तो चलिए बाय, मिलते हैं किसी अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।